जिस गैंगस्टर के पीछे 10 राज्यों की पुलिस लगी हो, उसकी अचानक गिरफ्तारी से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। विकास दुबे भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन यूपी पुलिस को अब कई सवालों का जवाब देना होगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी बीच विकास दुबे केस में नया ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट विकास दुबे के पनाहगार को लेकर है। आरोप है कि हाईकोर्ट स्टीकर लगी गाड़ी से विकास दुबे मध्य प्रदेश गया। ये गाड़ी लखनऊ निवासी मनोज यादव की बताई जा रही है। पुलिस ने मनोज यादव एवं साथी तेज यादव को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। दोनों ही वकील बताए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको राजनीति प्रत्यारोप के साथ कानपुर शूटआउट की पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कानपुर के गांव बिकरू कांड में कब कब क्या हुआ। 5 लाख के इनामी गैंगस्टर विकास दुबे के सरेंडर पर कांग्रेस ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। इस बारे में सबसे पहले बयान प्रियंका गांधी का आया। प्रियंका गांधी ने कहा कि कानपुर के जघन्य कांड में यूपी सरकार फेल हो गई है। प्रियंका ने कहा कि जिस मुस्तैदी से यूपी सरकार को काम करना चाहिए था वो नहीं कर सकी। इतने अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है। ये प्रशासन और गैंगस्टर से मिली भगत की ओर इशारा करता है। वहीं विकास दुबे के उज्जैन में पकड़े जाने पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी। उन्होंने मांग की है कि सरकार विकास के मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट सार्वजनिक करे, जिससे उसकी सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ हो सके। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का कानपुर से सीधा कनेक्शन बताया। ट्वीट में लल्लू ने लिखा कि चुनाव में नरोत्तम मिश्रा कानपुर के प्रभारी थे, वहीं विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है। अब वे उज्जैन के प्रभारी हैं, साथ ही नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ऐसे में विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा का ही बयान सामने आया था। वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का बयान सेना और पुलिस का मनोबल गिराने वाला है, ये शहीद पुलिसकर्मियों का अपमान है। वहीं कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन में गिरफ्तारी के बाद भारत नेपाल सीमा पर खाक छान रही फोर्स को वापस बुला लिया गया है। पुलिस की एक टीम भारत नेपाल सीमा पर विकास दुबे की तलाश में डेरा डाले हुए थी। जैसे ही ये सूचना आई कि कुख्यात गैंगस्टर विकास उज्जैन में गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके बाद उसकी तलाश में जुटी एसटीएफ और खीरी पुलिस ने राहत की सांस ली। पिछले 2 दिनों से भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस फोर्स और एसएसबी की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात थी। पुलिस के पास इनपुट था कि विकास नेपाल भाग सकता है, इस वजह से बॉर्डर इलाके में उसके पोस्टर भी चिपकाए गए थे। अब हम जानते हैं कानपुर के गाँव बिकरू में हुए शूटआउट मामले में कब क्या हुआ। बात 2 जुलाई की काली रात की है। विकास दुबे को गिरफ्तार करने 3 थानों की पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी। विकास के गैंग ने पुलिसकर्मियों पर AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से हमला बोल दिया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। 3 जुलाई को पुलिस ने सुबह 7 बजे विकास के मामा प्रेम प्रकाश पांडे और सहयोगी अतुल दुबे का एनकाउंटर कर दिया। इसके साथ ही 20-22 नामजद समेत 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 5 जुलाई को पुलिस ने विकास के नौकर और खास सहयोगी दया शंकर उर्फ कल्लू अग्निहोत्री को घेर लिया। पुलिस की गोली लगने से दया शंकर जख्मी हो गया। उसने खुलासा किया कि विकास ने पहले से प्लानिंग कर पुलिस कर्मियों पर हमला किया था। 6 जुलाई को पुलिस ने अमर की मां क्षमा दुबे और दया शंकर की पत्नी रेखा समेत 3 को गिरफ्तार किया। शूटआउट की घटना के वक्त पुलिस ने बदमाशों से बचने के लिए क्षमा दुबे का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन क्षमा ने मदद करने की बजाय बदमाशों को पुलिस की लोकेशन बता दी। रेखा भी बदमाशों की मदद कर रही थी। 8 जुलाई को एसटीएफ ने विकास के करीबी अमर दुबे को मार गिराया। प्रभात मिश्रा समेत 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जुलाई को प्रभात मिश्रा और बउआ दुबे एनकाउंटर में मारे गए। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हो गया। अब विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर गवाहों की सुरक्षा और साक्ष्यों को एकत्रित कर माफिया डॉन और गैंगस्टर को अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।